नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो दो बहुत ही अच्छी खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, दोनों ही खबरें ऐसी हैं कि आपका दिल खुश कर देंगी। दोनों ही खबरें जहां एक तरफ भारत के लिए तो अच्छी हैं ही हैं, लेकिन भारत के हर उस नागरिक के लिए अच्छी हैं जो जॉब करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, अच्छा पैसा कमाना चाहता है। तो चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। सऊदी अरब और UAE दोनों ने अब ये कहा है कि उन्हें पाकिस्तान के वर्कर नहीं चाहिए। अभी तक क्या होता था कि वो मोस्टली पाकिस्तान के वर्कर लेते थे, लेकिन अब उन्होंने घोषणा अनाउंसमेंट ये किया है कि पाकिस्तान के वर्कर उन्हें नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग क्रिमिनल निकलते हैं और मैक्सिमम उनमें से जितने भी लोग आते हैं कुछ काम करते हैं और ज़्यादातर लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब इस भीख मांगना शुरू करने से उनके देश की इज्जत खराब होती है, देश की छवि खराब होती है पूरी दुनिया में, कि कहने को सऊदी अरब इतना बड़ा देश है लेकिन वहाँ पर लोग भीख मांगते हैं, बट ये नहीं पता कि कहाँ के लोग आकर भीख मांगते हैं जो प्रेस वाले होते हैं। ये लोग वही हैं जो पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं। तो अब भारत के लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलेगी, अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, और जितनी पहले मिलती थी उससे ज़्यादा तादाद में अब भारतीय वर्कर यहाँ पर जा पाएंगे। दूसरी और बहुत ही बेहतरीन खबर है, पहली बार भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आना चाह रहा है। ये क्या है कि चीन पहले इसे लेना चाहता था, लेकिन चीन से ये इन्वेस्टमेंट निकल कर भारत आ गया है। सऊदी अरब, जी हाँ, सऊदी अरब $100 बिलियन कितने होते हैं, लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो गौतम अडानी हैं सबसे बड़े, यहाँ पे कहा जाता है दूसरे नंबर के रईस हैं, तो उनकी भी जो टोटल नेटवर्थ है वो $90 बिलियन की है, लेकिन उससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है। ये अब से एक साल पहले बात हुई थी कि ये आएगा, लेकिन अब इस पर काम चालू हो गया है। बातें आपस में दोनों सरकारों की शुरू हो चुकी हैं कि इस पैसे को कहाँ पे लगाया जाएगा, किस किस तरह से इससे डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो भारत में बहुत जल्द आपको ये इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट भारत आएगा तो कंपनी बनेगी, ऑफिसेज बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब इन सब चीज़ों के बढ़ने में एक चीज़ की कमी पड़ेगी, वो है लेबर। तो लेबर भारत में बहुत है, बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर यहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा। इन दोनों ही खबरों में मैंने कहा कि हर उस इंसान को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा जो जॉब करना चाहता है, जो कुछ काम करना चाहता है और एक अच्छी जॉब करना चाहता है। तो दोनों ही खबरों में यहाँ पे लगभग 2.5-3 लाख जॉब आराम से हमारे भारतीयों को मिलेंगी, जो बहुत बड़ी खबर है। साथ ही साथ इतनी बड़ा अमाउंट भारत में आएगा तो इकोनॉमी को भी एकदम से और बूस्ट मिलेगा। पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है, लेकिन अब जब इतना बड़ा अमाउंट भारत आएगा तो दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्था की स्पीड भारत के आसपास भी नहीं होगी। तो खैर, आपको ये दोनों खबरें कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में दी गई खबरें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।